नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. अब 5 के पीछे नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 4 एंड 3 7. इसे हम लिख सकते हैं 5 into, लाइक दिस 5 into 1 is 5 और नंबर ऑफ जीरोस 7. तो इसे हम 5 into 10 raised to power 7 ऐसे लिख सकते हैं. 5 multiply 10 की पावर कितनी, 7. इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 7. नाउ 7 के पीछे नंबर ऑफ जीरोस 3 5 and 1 6. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 7 into 10 raised to power 6. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, मीन्स हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. नाउ 3 1 8 6 5 नंबर ऑफ जीरोज आर 5. 3 1 8 6 5 into 10 raised to power 5. अगर हमने इस बिग नंबर को भी स्मॉल में लिखना है तो हम 3 points बाकी डिजिट्स डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट रखेंगे. अगर मुझे 4 digits पहले डेसिमल लेके जाना है तो 4 zeros 1 के पीछे 4 zeros से डिवाइड करना होगा, मीन्स 10,000 से. 3 1 8 6 5 4 digits आगे जाने हैं डेसिमल. 4 ऐसे करना होगा क्योंकि अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड कर रही हूँ उस नंबर से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा ताकि ओरिजिनल नंबर चेंज ना हो. तो ये जो 4 zeros है डेसिमल के लिए यूज हो गए, 1 2 3 4 4 digits आगे चला गया डेसिमल. 10 raised to power 5 ऑलरेडी था, ये कितना हो गया 10 raised to power 4. सो 3.1865. नाउ बेस सेम, पावर्स क्या होंगी, एड, क्योंकि हो रहा है मल्टीप्लाई. सो 3.1865 into 10 raised to power 9. यहां तक क्लियर? क्या किया हमने, पहले जितने नंबर ऑफ जीरोस थी वो लिख दिया. ये हमारे पास अगर हमें इसे भी स्मॉल शॉर्टर फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल के आगे सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए. कितने डिजिट आगे और हैं, 4. तो 10,000 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, ये 4 zeros 1 2 3 4 डिजिट्स पहले डेसिमल आ गया और ये 10 raised to power 4. बेस सेम, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स एड, 5 plus 4 9. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट. अब इसमें टेंस तो है नहीं, नंबर ऑफ जीरोस नहीं है, 1 2 3 4 5 डेसिमल अप्लाई करना है तो 5 digits पहले होगा. तो 1 के पीछे कितनी जीरो आएंगी, 5. उससे हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी. जो डिवाइड किया उसकी जगह हमने डेसिमल लगा दिया, 1 2 3 4 5. सो 3.90878. और ये जो मल्टीप्लाई में था इसे हमने लिखा 10 raised to power 5. क्लियर? हमने डेसिमल अप्लाई करने के लिए 3 के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, 5. तो 1 के पीछे 5 zeros, लैग से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये वाले तो जो जीरोस थे वो डेसिमल अप्लाई करने में यूज हुए और ये वाली जो टर्म बची उसे हमने लिख दिया पावर. नाउ नेक्स्ट इज 3908.7.8. अब इसमें भी पीछे तो नंबर ऑफ जीरोस नहीं है, मुझे डेसिमल अगर लेके जाने हैं 1 2 3 4, 4 places डेसिमल और आगे जाएगा. तो 1 2 3 4 10,000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड. जो ये जीरोस हैं वो डेसिमल अप्लाई करने में यूज हो गए, डेसिमल यहां था, 1 2 3 4 places और आगे गया, into 10 raised to power 4. ये वाला 10 raised to power 4. नाउ नेक्स्ट 3908.78. डेसिमल कितने डिजिट्स और आगे जाएगा, 1 2 and 3. सो 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड. ये 1000 यूज हुआ डेसिमल आगे लेके जाने के लिए, 3 digits डेसिमल आगे चला गया,
इंटू इसे हम लिखेंगे 10 रेज टू पावर 3। क्लियर है? हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जितना हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते थे उस क्वेश्चन को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 10 रेज टू पावर की फॉर्म में बाय यूजिंग एक्सपोनेंट्स।